बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैफुल हक है। मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ एजुकेटर्स ऑफ पाकिस्तान, और बहैसियत कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट काम करता हूँ बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड नेफ्राइन के अंदर और मानवी हॉस्पिटल के अंदर। जैसे आपको पता है, महीना नवम्बर का है। नवम्बर के अंदर हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं, और अब तो नवंबर को ही मंथ ऑफ डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो थीम है इस दफ़ा 2022 की, वो है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। डायबिटीज़ के लिहाज से आगही का जानना, डायबिटीज़ के बारे में मालूमात का होना बेतहाशा ज़रूरी, ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, बल्कि तमाम अवामुन्नास के लिए। आपके इलम में होगा, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर डायबिटीज़ की नशोनुमा के लिहाज से, बढ़ते हुए लिहाज से पहले नंबर पर है। इस वक्त डायबिटीज़ फैलने के लिहाज से जो शरह है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा है। ये एक इंतहाई फिक्रंगेज़ लम्हा है हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान वालों के लिए, कि हम क्या करें कि हम आइंदा आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान दे के जाएँ। इसके लिए मैंने, आपने, जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही है, उन सब ने आज से ही कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे हम डायबिटीज़ की शरह को कम कर सकें। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि इसका तयन करना है कि हमें डायबिटीज़ तो नहीं हो गई। हर वो शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, जिसके घर में किसी को डायबिटीज़ है, और जिसकी कमर की चौड़ाई ज़्यादा है, ज़्यादा से मुराद ये कि अगर आप बात करें तो, अगर मर्दों के लिहाज से बात करें तो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ख्वातीन की 80 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है, तो ये फ़िक्र वाली बात है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहीं हम खुद तो इसका शिकार नहीं हो रहे। फिर ऐसे इकदाम करने हैं जिससे डायबिटीज़ से होने को बचाया जा सके। सबसे पहले अपने आप से, अपने घर से शुरू करें, अपने घर वालों को एक हेल्दी लाइफ की तरफ लाएँ, ग़ज़ाओं के लिहाज से बाहर के खाने को कम करें, चिकनाई को कम करें, वो तमाम चीज़ें जो डायबिटीज़ का सबब बनती हैं उनसे दूर रहें, चलने को ज़्यादा बेहतर समझें कि जितना ज़्यादा चलेंगे, जितनी वॉक करेंगे उतना बेहतर है। और बच्चों के अंदर, ख़ास कर खाने पीने के अंदर, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो आगे चल के इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। खुदा ना खास्ता इन बच्चों को अगर डायबिटीज़ हो गई तो हमारा मुल्क का मुस्तकबिल बीमार हो जाएगा। तो मेरी बस आप तमाम से गुजारिश ये है कि आज से ही ये अहद करें, इस मंथ नवंबर 2022 को ये अहद करें कि हम सब ने मिल के अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान देना है, एक सेहतमंद पाकिस्तान देना है, एक ऐसा पाकिस्तान जहां डायबिटीज़ की शरह कम से कम हो। बहुत शुक्रिया।